मैं वो पार्ट ऑफ द वीक इज दैट। पर तुम ईद के पहले तो दोगे ना? Only those two are going to have clothes. I have a feeling. I'm going to make a museum of Ishan's outfit from scratches. Okay, guys, we need to family meeting. Yeah, you can come and watch me drink my morning coffee. Welcome back to my channel. Welcome back to another outfit from scratch. ये वाला ईद का outfit from scratch है and this is I think my 11th outfit from scratch. So I'm challenging myself today. आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं outfit from scratch बनाने वाली हूँ. I'm going to make ईद के कपड़े for my full family, for my mom, dad, my sister and her little son. My jiju is not in India right now. वो abroad है काम से. And you know I really used to admire these family photo portraits जो होती है ना, जिसमें सब सेम सेम कपड़े पहन के लाइक यू नो सब सेम कलर के कपड़े से ट्विनिंग करके वो फैमिली पोर्ट्रेट लेते हैं. आज तक हमारी फैमिली का ऐसा टुगेदर पोर्ट्रेट नहीं है. आई विश माई जीजू वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, माई दादी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, बट वी आर मिसिंग सर्टन पीपल. बट एनी वे आई एम गोइंग टू मेक दैट फैमिली पोर्ट्रेट हैपन दिस ईयर. दैट्स माई विजन. एंड मुझे मेरे बेडरूम के ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे बेडरूम में वो फैमिली पोर्ट्रेट लगानी है. मेरी फैमिली को भी नहीं मालूम है कि मैं ये करने का, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ. बट इसलिए मैंने उन लोगों को बोला इस बार ईद के कपड़े तुम लोगों को लेने की जरूरत नहीं है. I will make for y'all. तो आइडिया ये है कि हम डाइबल फैब्रिक लेंगे. सबकी ना अलग अलग टेस्ट है. लाइक माई मदर वॉन्ट्स अ वेरी फ्लोई इजी गोइंग, क्योंकि कोई भी हम लोग ये रिपर्पस नहीं करते. मैं तो खैर हर एक ओकेजन पे नया कपड़ा बनाती हूँ, बट मेरे तो फिर भी शूट्स में काम आ जाते हैं. लाइक सबरीना और मम्मी इतने भारी कपड़े पहन के कहीं पे भी नहीं जाते. सो दे वॉन्ट वेरी इजी गोइंग ब्रीजी ब्रीजी फैब्रिक्स एंड समथिंग लाइट टू वेट, बिकॉज सबरीना हैज टू हैंडल ईशान जो उसका बच्चा है, जो बहुत ही शरारती है. एंड माई मदर doesn't like body hugging fabrics. And I'm going to plan an outfit जो उन लोग के लिए comfortable हो. तो dyeable कपड़ा लेना है for sure, ताकि सबको मैं एक ही कलर में dye कर सकूं. और पापा ईशान के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि जो चिकन का काम होता है ना, वैसा टाइप का कुर्ता लूं. बिकॉज लास्ट ईयर मैंने ईशान के लिए बहुत क्यूट सा कुर्ता पजामा बनाया था, वो काफी लंबा हो गया उधर से माशाल्लाह माशाल्लाह. लास्ट ईयर सब मैं और ईशू ट्विन कर रहे थे, और इस बार मैंने सोचा हम सब ट्विन करेंगे साथ में. Guys, it's so hot. It is so freaking hot in Bombay. मैं currently भी तैयार हो रही हूँ एंड मेरा एसी ऑन है. आई एम ड्रेडिंग गोइंग आउट इन द हीट द मार्केट, बट जाना तो है. तो हम जा रहे हैं मंगलदास मार्केट. आई एम गोइंग टू द सेम फैब्रिक शॉप जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में भी गई थी, वो कियारा अडवाणी के. उसके बेसिकली मंगलदास मार्केट में यू गेट अ लॉट ऑफ फैब्रिक्स नंबर वन. एंड अभी ईद के टाइम पे दे गेट न्यू माल ऑल्सो. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट न्यू कलेक्शन दे हैव व्हिच आई कैन पिक अप. फॉर माय सेल्फ आई एम गोइंग फॉर अ भरपूर अनारकली, बिकॉज इट्स बीन अ हॉट मिनट के मैंने अनारकली बनाया. मुझे अनारकली पहनना ये ईद पे, तो मेरा ये विजन है मेरे आउटफिट के लिए. नेक में मे बी आई विल डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज मैंने ऑलरेडी वी नेक का मेरे पास एक है. सो आई माइट स्विच ऑफ द नेक अ लिटिल बिट, बट डेफिनेटली डेफिनेटली डूइंग एन अनारकली फॉर मी. एंड कुर्ता पजामा फॉर पापा एंड इशू, एंड देन फ्लोई फ्लोई काइंड ऑफ फैब्रिक्स फॉर मम्मी एंड सबरीना. तो काफी फैब्रिक शॉपिंग करनी है मुझे. आज की तारीख है 11 अप्रैल एंड ईद है 22 तारीख को. सो वी हैव एग्जैक्टली 10 डेज इन अ हैंड टू मेक दिस कम ट्रू. सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी हाउ दिस गोज. इट इज क्वाइट अ चैलेंज डेफिनेटली. अगर मेरे बस में होता तो मैं सबको लेके जाके कराती थी, बट एवरीबॉडी इज जस्ट सो बिजी इन देयर लाइफ्स एंड आई एम लाइक ओके फाइन. दे लाइक तू कर ले, तो जो भी बनेगी हम पहन लेंगे वाला सीन है. तो आई एम लाइक फाइन. सो आई विल बी द डिजाइनर फॉर माई फुल फैमिली दिस टाइम एंड लेट्स गो मेक सम ईद आउटफिट्स. गए मरीन लाइंस एंड आई एम पार्किंग द कार ओवर हियर ओनली. मरीन लाइंस पे काफी पार्किंग है, बिकॉज आज मैं गाड़ी लेके मंगलदास आई हूँ. इट इज वेरी वेरी हॉट फॉर मी टू कम बाय ट्रेन. आज मुझसे नहीं हो पाया ट्रेन की जर्नी, सो आई टुक द प्लंज. देयर वाज नो ट्रैफिक लकीली एंड आई हैव रीच्ड ओवर हियर. आई एम गोइंग टू हेड टू मंगलदास वॉकी वॉकी करके. 10 मिनट दूरी है इधर से. मंगलदास मार्केट इज वन ऑफ द बिगेस्ट व्हेन इट कम्स टू कपड़ा बाजार इन मुंबई एंड आई थिंक दे हैव रियली गुड क्वालिटी स्टफ. बट बिफोर आई हेड आउट आई डोंट वांट टू गेट बर्न्ड बाय द सन, सो आई एम गोइंग टू बी री अप्लाइंग माय सनस्क्रीन. ये अच्छी आदत सनस्क्रीन री अप्लाई करने की मैंने हाल ही में डाली है, एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू द डर्माकोस सनस्क्रीन स्टिक. इसका जो सनस्क्रीन ट्यूब में आता है, यू नो आई लव दैट एंड आई यूज दैट वेरी वेरी रेगुलरली. इट्स वन ऑफ द होली ग्रेल सनस्क्रीन काफी लोगों का, बिकॉज जो भी ये ट्राई करता है ना, बहुत उनको पसंद आता है. बिकॉज इट्स सुपर सुपर इजी टू अप्लाई, बिल्कुल व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता. उसमें जो हाइलुरोनिक एसिड है वो आपकी स्किन को एकदम ड्यूई हाइड्रेटेड रखता है, और विटामिन ई से आपका सन डैमेज भी प्रिवेंट होता है. एंड इट हैज SPF 50 PA++++. तो
काफी लंबे टाइम तक आपको सन प्रोटेक्शन मिलता है. इट ऑल्सो कम्स इन दिस 80 ग्राम वैल्यू ट्यूब नाउ, सो इट विल लास्ट यू अ लॉट लॉन्गर. मेरा फुल फेस मेकअप है एंड स्टिल री एप्लीकेशन विद दिस इज सुपर नाइस. इट कम्स विद दिस प्रोटेक्टिव केसिंग ऑल्सो एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फ्रिकिंग रोल द प्रोडक्ट ऊपर. जस्ट रोल दिस ओवर योर skin and it's super super easy, fuss free, convenient, not greasy at all. Ni buri dhoop ho rakhi hai bahar, so you need all the sun protection. I love that Dermaco has launched this because this is one of the most amazing sun sticks I have ever tried. I have honestly never enjoyed sun sticks because mujhe hamesha aisa lagta tha ki wo makeup pick up kar dega, but aap khud hi dekh sakte ho ki bilkul bhi isne mera koi bhi product nahi uthaya hai aur mere pure face ka makeup waisa ka waisa hi hai. Blush, foundation, har ek cheez jahan laga ke ghar se nikli वैसी ही है. इसमें एक्चुअली उन्होंने SPF 60 PA++++ दिया है, सो इट हैज इवन मोर ब्रॉड स्पेक्ट्रम. वापस इजीली इसको रोल कर दो, जस्ट पुट द प्लास्टिक कैप सो दैट इट इज प्रोटेक्टेड. घर जाके आई ट्राई टू जस्ट क्लीन विद द टिश्यू बिकॉज आई हैव अप्लाइड इट ऑन माय बेयर फेस. सनस्क्रीन का रीएप्लीकेशन इस प्रोडक्ट के साथ बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है, सो नाउ अ सन प्रोटेक्शन इज टोटली गारंटीड और हम जा सकते हैं इस धूप में शॉपिंग करने के लिए. सो आई एम गोइंग टू लीव द लिंक फॉर दिस प्रोडक्ट एज वेल एज ऑफ द सनस्क्रीन जेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू. डोंट फॉरगेट चेक इट आउट. और अगर आप मेरा कोड सरोज2023 यूज करोगे यू विल गेट अ 20% डिस्काउंट, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक Dermaco फॉर पार्टनरिंग विद मी फॉर दिस वीडियो. नाउ लेट्स गो टू मंगलदास मार्केट. बुलबुले जा रहे थे बबल खाना आ जाइए एक छोटी सी बच्ची के साथ. या छोटी बच्ची है. The two instructions I have is dyeable kapda and breathable kapda. मुझे पूरी फैमिली का कपड़ा बनाना है. Okay. I need something like this because I want an anarkali. सब dyeable कपड़ा चाहिए. Okay. और कॉटन में है. ये सब क्या है? ये सब गॉर्जियस ही है. वॉन कॉटन. जैसे मैं चुन रही हूँ ब्रोकेड वन विच आर जी लाइक. This is very simple. Just arrive. Should I do mirror again? Mirror was my first the one. सारे निकाल दूंगे ऋषभ. ये वाला निकाल दो. हां मैं वो पापा के नीचे दिस इज ना नीचे एनीथिंग डिफरेंट. आई वांट समथिंग फॉर मी व्हिच विल हैव नीचे पट्टी बिकॉज़ मुझे अनारकली करना है. तो ये सब तो दिस वन और ये जॉर्जेट है. दिस विल लुक गुड ऑन निशान है. दिस इज सो वेरी ज्यादा हो जाएगा. उनको पहनेंगे नहीं, लाइनिंग करना पड़ेगा. ये सब है. व्हाइट लुक सो प्रिटी है. You guys, I'm sending mummy and Sabrina all these options. I've sent them everything. These are really, really fun. मुझे बहुत अच्छे लगे. मम्मी को ये बहुत अच्छा लगा. मम्मी से मिल ले एक मीटर ये ले ले. But because हम matching ईद वाले बना रहे, so mom liked this in the dyeable section for her. This one, which is this. So I'm gonna take this for mummy and for Sabrina. She liked this, which is more simple. उसको non abrasive चाहिए था ना, तो ये भी georgette है, but अंदर इसका बिल्कुल भी abrasion नहीं है. इसमें थोड़ा ज्यादा tickly है. And for ईशान and papa टेकन का गया वो जो कपड़ा. हाँ थैंक यू. या मैं लिटरली दुकान के अंदर आ गई हूँ आज. बट इशारे ने अपा पागे लिया टेकन दिस. ये भी सबरीना ने चूज किया. दिस इज सो प्रेटी. दिस आई वांट टू मेक अ डिफरेंट लहंगा एंड टॉप फॉर दिस बट नॉट फॉर ईद. किसी की शादी में बुला लो उसमें बनाएंगे हम ये. दिस इज नॉट माई स्टाइल एज मच एज दिस इज. This with a plain like pink blouse would look so nice. We need a kurta and then we need georgette also. Pants ke liye. What did your mom say? मम्मी बोली 3 मीटर कपड़ा ले ले. उनको डिसाइड करना बच्चा है कि what she wants to stitch. I will call my tailor. He is the most decisive man of them all. एक साल के बच्चे को 1 मीटर बोल रहे हो आप? 2 साल का है. हाँ मतलब डेढ़ मीटर. तो 1.5 मीटर उसका और 3.5-6 फुट के आदमी का, तो कितना हुआ? 5 मीटर कपड़ा. हाँ वो 5 मीटर काट दो आप. दीज आर ऑल नेट फैब्रिक्स. ये भी 3.5 मीटर काट दो मम्मी के कपड़े के लिए और ये भी 3.5 मीटर काट दो. या तो ऐसा कुछ चाहिए अलग अलग, या तो आई गेट दिस वी नेक विद नीचे भरा. ठीक है ऐसा मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी. ये वी नेक एंड भरा समथिंग लाइक दिस. बट ये भी है. या दिस इन दिस रेडी कलर्स आ देना. बट देन मैं अपना रेडी में लूंगी तो फिर सबका मैच नहीं होगा, तो इसलिए हाँ डायबल ही बेस्ट है. मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये. आई डोंट लाइक दिस. व्हाट इज हैपनिंग हियर? आई एम रनिंग आउट ऑफ फैब्रिक्स इन दिस शॉप. दिस इज अ साइन दैट यू नीड टू ब्रिंग न्यू स्टफ. ये बहुत शादी टाइप हो जाएगा ऋषभ. आई थिंक फॉर अनारकली दिस इज वेरी प्रिटी.
What do you think? I like this, guys. I like this work. See, corners ka kaam bhi achha hai. And this is also nice. And then he can use the niche ka portion. Idhar. Description of my video. Took 3.5 meters for ghera, 1.5 for the yoke. So overall, kitna hota hai? 3.5 plus 1.5. 5.5, na? Correct, match. Woo! Was hectic. गर्मी में इसमें तो मेरे पास इतना कपड़ा बचा नहीं है। कितना है पूरा मिला के? 5 है। हाँ, ज्वाइन नहीं कर सकती ना, मुझे नीचे घेरे के लिए लगेगा। परसों आएगा, चलेगा, आप भी फास्ट कर दो। वेले वेले 5 मीटर वो बहुत झटाक गोल्ड है, ये थोड़ा रोज गोल्ड है, ये वाला चाहिए। You will check and send, na? Yeah. Okay, thanks. I could have done mirror, but it would look too bhara hua. You can do mirror. Mein anarkali sabse sundar lagta hai, but mera pehla anarkali. Something new. Yes. New. And आपको आज मैं देलो कौन से फैब्रिक से बेस के लिए, तो आप उसके साथ These fabrics for this much done. सारा कपड़ा तो ले लिया, बट ये वाला आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में कपड़ा खरीदना इज नॉट द डिफिकल्ट पार्ट. द डिफिकल्ट पार्ट इज गोइंग टू बी टू कोऑर्डिनेट ऑल माई फैमिली का टाइमिंग्स, पैटर्न्स एंड साइजेस एंड एवरीथिंग, एंड टू बी एबल टू गेट डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन एंड सबकी फिटिंग्स राइट. सो दैट चैलेंज इज नाउ पेंडिंग. सिग्नल खुल गया, सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड द नेक्स्ट डे. बोलो आपको क्या बनाने का? पापा को हो भी गया. हो भी गया, मैप ले लिया ना पापा का. डिस्कशन करने के लिए तुम लोग करेंगे. गाइस, मैं अब भी शूट पे से वापस आई हूँ. मैंने कुछ भी नहीं खाई हूँ पूरा दिन, एंड इतना तो मैं ईद पे भी मेकअप नहीं करूंगी जितना मैंने अभी कर रखा है. मेरा अनारकली का कपड़ा आ गया. कितना मीटर है तेरा अनारकली? 5 मीटर ना, 5 मीटर बस ना. अभी ये बोलेगा 7 चाहिए, इसको तो कितना भी तो कम पड़ता है. इश्क, यू विल वेयर कुर्ता? एम्बुलेंस यू सीइंग? या He heard the voice. बस हुआ, क्या और चाहिए? एक मीटर और चाहिए. He's never satisfied. एक मीटर और मंगाऊंगी तो फिर जॉइंट नहीं दिखेगा. फिर इन लोग के कोई कपड़े में से देख लो ना अजहर. फिर इन लोगों को तेको भी अनारकली चाहिए था ना, इसको भी कम पड़ने वाला है कपड़ा. इसको यू विल वेयर अनारकली? या माँ उसकी बोली या, तो ये भी बोला या. ये तो मृदुल, ये नहीं बनाना. मृदुल ने मेरे लिए यही सिलाई थी ना. ड्रिंक वाटर इफ इट इज फीका, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू ईट फूड. सारा ने जो पहने होएगा 3 मीटर में बोला, आज 3.5 मीटर. मैंने उसको बताया नहीं तेरा ब्लॉग पार्टी. वाइट ही रखने का है क्या? डाई करने का ही नहीं है सबके कपड़े? हाँ, व्हाइट ही रखना. बट प्रधानमंत्री टाइप्स नहीं दिखेंगे अब उन सब व्हाइट कपड़ों? टाइम दैट कलर वाला डी. He doesn't take time. That's not a concern. Then color it. What? Camera? Yeah. Why no, you want camera? No, camera cannot take. Why you want camera? You tell I want to vlog. Like Mashi. Save ki. Haan, Babu, 1 minute. Mashi, please. After this, uncle will go. No, I'll give you camera. ओके, दिस इज वन. नो, ये तो बहुत सिंपल है, लखनऊ ही है ये. ऐसा शियर वियर नहीं अच्छा लगता, सब स्टाइल में से गया. ये बहुत सेक्सी है. ये तुम सबरीना के लिए बनाओ फिर, इसमें अनारकली, उसको अनारकली चाहिए था. मैं ये जैकेट बनाती हूँ और ये पैंट का नहीं निकलेगा इसमें. ऐसा थोड़ा ना होता है सर, ऐसा करता है क्यों? तुम इसको खोलो. 20, सिर्फ 20 इंच का है ये. किंगो, एक साल में 10 इंच बढ़ा है. जस्ट 21, 21. इशू, 20 इज योर वेस्ट एंड 20 इज योर हाइट. फिर स्क्वायर. हैंड स्ट्रेट, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन. इशू, कम मेजरमेंट. या कम योर अंकल टेकिंग मेजरमेंट. कम योर पैंट मेजरमेंट. गो कम डाउन पैंट. No, what happened? याद आ गया. मेजरमेंट का मेजर टेप लेने गया. इसमें ना मेरे को ऐसा चाहिए कि जो रंग हम लोग सिलेक्ट करें ना, वो मेन कुर्ता, और इधर का ये पोर्शन अपन व्हाइट ले. नाजर तो आपको बचेगा ही ना कोई कपड़े से, क्योंकि उसका कुर्ता मैंने ये ली हूँ. या यही चीज का भी आप व्हाइट लोगे तो भी चलेगा. तो थोड़ा पार्ट आपको डाई करवाना पड़ेगा, थोड़ा काट के निकालना पड़ेगा. इसके लिए प्रॉपर कुर्ता है, फिर उसके ऊपर ये जो
फैब्रिक लगा हुआ है ना जैकेट टाइप्स में, वो खाली फ्रंट है, ऐसा ओपन होता है, ओनली फ्रंट में अटैच है, ओनली फ्रंट है वो सारा. हाँ हाँ, ओनली फ्रंट, इट्स नॉट अ टू लेयर थिंग, इट्स ओनली फॉर शो. कॉन्ट्रास्ट में रखे तो यूनिटोन नहीं, जो बेस है उसका ये मिरर वर्क का ये फैब्रिक ऊपर वाला है. के सिंपल कुर्ता सिला देवे, साइड बटन है ना, आउटग्रो होता है ना. हाँ मालूम है, रिपीट तो कोई नहीं करता. सलवार के लिए कौन सा कपड़ा है? सबकी सलवार के कपड़े बचो, अजहर लेगा है ना. सबकी सलवार के कपड़े, तुम लोग मटेरियल बोलो कौन सा चाहिए तो उसे से. हाँ, यूबोटिक ऑफ वाइट सलवार, सब कपड़ा एक कलर में, जितने कपड़े है ना सब एक कलर में डाये. देखो अभी तुम डिजाइन पैटर्न सबकी फाइनलाइज करो, कलर अपन फाइनलाइज करते हैं, और फिर बॉटम का कपड़ा और दुपट्टे के कपड़े कल साक्षी अजहर के साथ चली जाएगी लेने के लिए, वो तुमको डाई में धागा भी सिलेक्ट करके देगी. पप्पा के उसमें मेरे को बटन्स लगाने क्या बीच में, और इशू का साइड में लेना, बच्चे का साइड में लेना है ना. वी नीड टू राइट ऑल दिस डाउन. दोनों में से मेरा कौन से लेने वाला? मेरे फिटिंग में जरा भी 19-20 हुआ ना मैंने पहनने वाली हूँ, मैं पहले बोल चुकी हूँ. ओपन कुर्ता है ना ये, होना चाहिए. हाँ, चलेगा ना. सन, ये जो एक्सेसरी और लेस मैं तुमको 18 तारीख को आके खरीद के दूंगी. लेस रेडी करके रखता हूँ, सब ढांचे रेडी रखो, लेस और बटन बचने चाहिए वो सब में लाके. हाँ मतलब 17 की रात को सब सिलाने मत लेना. तुमको 4 दिन में केरला में होना तभी तुमको सिलाने का. और पप्पा का सीधा सीधा और भेजा गला चाइनीज का, उसका भी आधा ओपन खाली मेरे को गले में ठीक से उसको घुसाने के लिए जगह. लास्ट टाइम वाला बहुत टाइट हो गया था, शर्ट टाइप चलेगा वो. ट्यूलिप पैंट जो है ना, ट्यूलिप पैंट ये ऐसा पैटर्न अच्छा लगता है, ये ऐसा शॉर्ट में वो अच्छा नहीं लगेगा. आप समझ गए? आप ही समझो बस, मैं तो मम्मी की भाषा ही नहीं समझ रही. तो इसके लिए कौन सा मटेरियल लू पैंट के लिए? क्रेप लेना पड़ेगा. क्या मेजरमेंट नहीं मिला? हाँ इनका ले लो, बाकी सबका मैं ले लेता. Now you all know guys why it is difficult. तो सबके टाइम्स मैच करो, प्लस माई मदर इज अ पीस ऑफ आर्ट एंड ईशा इज अ पीस ऑफ आर्ट. यू आर द बेस्ट मेंबर ऑफ द सरोज फैमिली, क्वाइट द ओनली क्वाइट मेंबर ऑफ द सरोज फैमिली. इलास्टिक के साथ देना सर, क्योंकि ट्यूलिप पैंट बैठना चाहिए बराबर से. समझ रहे हो ना मम्मी क्या बोल रही हूँ? 34. Do you want that to be having a colored fabric? Like this, like print? Or do you want plain? Tulip pant, plain. And kurta bhi plain. Plain alag color hoega na. To contrast chahiye. To pant white chahiye. Papa look ke jaise. Beige color. Off-white. Off-white. Okay guys, we need to family meeting. We need to decide color. Bina color decide kiye, we cannot go ahead with these decisions. That green only was nice. Emerald green. Now that's what. Because all our complexions are different. You all are a different. Ishan and I are different. Papa is different. Emerald green ले लेना सबका, वही तो color. Green is the color of this. इसको lace डाल देना, मतलब ये इसमें sequence है ना. Sequence की lace. हाँ. फिर देख लेना, उसके बाद lace लग जाएगी, आप choose करके ले लेना. ठीक है, okay. तो bell sleeves, tulip and short kurta, ये हो गया. If I stitch a jacket and I take the fabric I'm currently using. One meter will go waste, which is fine, I think. Rather than because he's saying anyways you'll need one. You more want meter. Anarkali or short now? Yeah, I want anarkali or this. If anarkali ke liye one more, if we have to take a fabric. इसको ये जो फ्रॉक बनाने का ये बनेगा तो उसके 3 मीटर में उसका कपड़ा वो वाला है सर, जो बाजू वाला. इसमें ये बनेगा. इसमें तो ये बन ही जाएगा ना आराम से. इसमें तो वेस्ट होगा इनफैक्ट. 3.5 तो बहुत है, लेकिन फिर अनारकली भी इसमें नहीं बनेगा ना. इतने में मेरा जैकेट नहीं होएगा 3.5 मीटर में, सिर्फ 1/2 मीटर कम पड़ेगा ना सर, है ना. सो मच क्लॉथ इज देयर. बीच में तो स्लिट है ना, घेरा ना कुछ जाएगा, मगर आपका फिर बराबर नहीं आएगा, क्योंकि कभी हिप्स के बाद का फ्लेयर चाहिए ना, और इसका विड्थ है कम.
बट अपना बीच में तो स्लिट है ना, घेरा नहीं है, थोड़ा तो फॉल आना चाहिए ना, इधर किधर है, फ्लेयर है इसमें, अपन सोच के सब अलग गए थे, अभी फिर बना कुछ और रहे, इसलिए इट्स ना, वो तो वो भेज देगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है, खाली ज्वाइंट आएगा ना कपड़े में, इसमें दुपट्टा भी नीचे, 5 मीटर में क्यों नहीं आएगा, ज्वाइंट आएगा, चलेगा आपके तो बॉडी एम्पायर, क्यों इसमें 5 मीटर में नहीं आएगा, ऐसा लेंथ है ना, ये लेंथ देखोगे, ये मटेरियल कैसा लेंथ वाइज, ये तो तेरा भी अनारकली बनने के लिए देखो, और 1 मीटर इसके में मंगाना ही पड़ेगा, एग्जैक्टली exactly. उसमें से जो नीचे का बॉर्डर है उसका ऊपर लगाओगे, स्लीव में ले लेंगे ये बॉर्डर, मतलब ये ज्यादा स्लीव में ये लेना लंबी लंबी वाली, हाँ, और वो जो है वो बॉडी में लेना, बॉडी में दर्द ले लेंगे, हाँ, एक और मीटर मंगाओ वो कपड़ा पक्का ना, और मेरी अनारकली के नीचे पैंट नहीं दोगे, उसका कपड़ा तो लेना पड़ेगा, बट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए पैंट, अगर फुल लेंथ ले रही है तो फिर नहीं चाहिए, नहीं यार गोल गोल घूमो तो फिर वो, हाँ तो लेकिन तो फुल लेंथ मत ले, फिर एकदम गाउन जैसा हो जाता, फिर बहुत हैवी हो जाता, थोड़ा स्पेस, बट आई डोंट लाइक दैट, इट लुक्स वियर्ड, आई एम टॉल ना, that first white anarkali which I made for your good barai also it looks good because it's full length. mere chudi anarkali ke niche ke pant ke liye kaun sa material, cotton silk fitted pant elastic wali, ha ye bhi nahi banega isme mere wale kapde mein, to fir tu wo frock style bana, peplum top jaisa hai, peplum top short peplum top, aur iska jo bachega na uska niche lena pant mein, hai na, हाँ. पहले मेरा गला वाला काटोगे ना तो तुम बताओ, अभी मैंने गोल कर ली हूँ, वी भी कर ली हूँ, अभी क्या चल रहा है, कल आप जा रहे हो उसके बाद डाई कपड़ा होगा, डाई होने के बाद लाइनिंग वगैरह सब लेंगे, फिर काम स्टार्ट होगा, ऐसे थोड़ी जाएगी, पर तुम ईद के पहले तो दोगे ना ये सबरीना का है ना, मैं कितना सॉर्टेड थी, मैंने कुछ कंफ्यूजन क्रिएट, यस ओनली पर्सन हू क्रिएट्स कंफ्यूजन इज गॉड, उसको समझा ही नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है, तुम्हारे कुर्ते पजामे ही होते, लड़कों के कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, हम लोगों कितने स्टाइल्स ऑप्शंस है, उसको ऐसी पैंट चाहिए, उसको क्या मटेरियल, बिना स्ट्रेचेबल मटेरियल है, लाइक रहा था ना डाइबल लाइक रहा, उसमें बनाना पड़ेगा, मिलता है, कहाँ मिलेगा ये रेडीमेड जो डाई होगी लेगिंग, सो ही विल बाय फॉर यू दैट, सो यू वांट लाइक्रा लेगिंग्स अंडर दिस, एमरल्ड ग्रीन, ओके ठीक है, व्हाट यू वांट, वी वेंट टू गैस स्टेशन, यू वेंट टू गैस स्टेशन, या व्हाट यू डिड इन द गैस स्टेशन, यू फिल पेट्रोल इन द एक्टिवा, हाँ वो कितना है, 33 हाँ परफेक्ट, सिंपल अनारकली, मैं लेस नहीं खरीदूंगी, कुछ नहीं है, कपड़ा ही भारी है, तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मुझे ऊपर का नहीं जम रहा है जो तुम समझा रहे हो, वो बोल रहा है कि थोड़ा सा ऊपर का आएगा और ये बाकी का मैक्सिमम, तो कैसा अच्छा लगेगा, अच्छा लुक दिखेगा, ये जो आप देख रहे हो ना बनने के बाद आपको उठ के लुक दिखेगा, दो दो एक मिनट कपड़ा को, इसके इसके आंख पे लगाओ ना वो कपड़ा, ब्लाउज के जगह डाई कलर करवाएंगे ना, तो इसके बाद ये बॉडी पे जब लुक जाएगा, मैं डमी पे डाल के मैम आपको फोटो भेजूंगा, आप खुद ही समझ जाओगे क्या लुक, समझ जाओगे मैं, क्योंकि मेरे को ये ऊपर का और पैच 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 नहीं चाहिए अनारकली में, इतना ही दिखेगा, 80% वाटर बॉडी पे रहे, बट इट डोंट लुक गुड, ओके तुम नीचे तू छोड़ दे, से अलग कपड़ा ही ले ले, अभी मैं कल केरला जाऊंगी, आने के बाद ले लेना एक ही मिनट, कैसे सिलाएगा, सबका होगा फाइनलाइज, मेरा ही बच्चा जो सबसे ज्यादा शोर थी उसको क्या चाहिए, तब तू मटेरियल कम लेके आई, तो वो तो 1 मीटर में मंगा लूंगी टॉप का, दिस मटेरियल इज नॉट वर्किंग आउट फॉर द जैकेट, लेट्स मेक दिस का अनारकली, और ऊपर भी तुम जैसा बोल रहे हो वैसा सिला दो, मैं तुमको ही ट्रस्ट करती हूँ, और नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा कि अच्छा लगेगा, इसका एक और मीटर मंगा दू, सबकी पैंट का कपड़ा मंगा दू, और साक्षी तुमको डाई का कलर सिलेक्ट करने में हेल्प करेगी, एमरल्ड ग्रीन चाहिए आपको, नो आई गॉट सिट डाउन, आई गॉट अ बू ऑन माय नी,
You give injection, yeah. Open your knee, mama. इतने सारे कपड़े नहीं बिगाड़ना सर प्लीज. मेरा तो बिल्कुल ही नहीं बिगाड़ना. फाइनली हमारे ईद के कपड़े का कुछ तो गया. अभी मेरे को जाना है केरला. कल सुबह शादी शादी है मेरे को. तेरी शादी? यस. भाग के मैं केरला में शादी कर कपड़े तुम लोग के मैं ईद के इधर सिला रही हूँ और भाग के मैं केरला में शादी कर. More moments later. तो इसके नीचे का पैंट चाहिए, इसके अस्तर चाहिए, तो इसके लिए कितना कपड़ा कहाँ पर मिलेगा? 7 मीटर दी. सिर्फ ये सारा के लिए है ना? ठीक है. सबरीना के लिए उन्होंने बोला ये वाली पैंट का फैब्रिक, और ये ईशान और उनके लिए लेना है पैंट, प्योर वाइट कॉटन पैंट का कपड़ा. फर्स्ट चॉइस वाला उनको क्या बोलूं बट मैं कौन सा कपड़ा बोलूं? कॉटन का पैंट बनाना है मटेरियल थोड़ा मोटा. कॉटन सिल्क वाइट में है क्या आपके पास? कॉटन सिल्क वाइट जो डाइबल हो सके. डाइबल वाइट हाँ. और वो पजामा बनता है ना प्योर वाइट वाला जेंट्स के लिए, हाँ कॉटन में चाहिए वो भी है. ये कॉटन सिल्क वाला डाइबल है ना? ये कितना? 180. ये वाला अच्छा है. ये कॉटन सिल्क 2.7 meters चाहिए. हाँ. और ये चाहिए मेरे को 4. आपके पास लेगिंग होगी क्या जो डाइबल हो सकते हैं? कॉटन की लाइक्रा. लाइक्रा मिलेगा ना? $394 मार्क करके भेजते हो बट एग्जैक्ट सेम ही कलर आना चाहिए क्योंकि पांचों का है, कुछ भी खराब हुआ बहुत इधर ऊपर नीचे हो जाएगा. Several days later. आज है 19th अप्रैल और इंशाल्लाह ईद 2 दिन में है. 2021, 2022 3 दिन में है. सो वी आर गोइंग नाउ टू बाई लेस एंड थोड़े पैंट मटेरियल जो साक्षी ने खरीद के दी थी अजहर को वाइल आई वॉज इन केरला. शी हैज ऑल्सो सिलेक्टेड द डाई सो द फैब्रिक हैज बीन डाइड एंड एवरीथिंग. अजहर ने सिलाई का काम भी शुरू कर दिया. अभी सब मेरे टेलर के हाथ में और बेचारा काफी ओवरवेल्म हो गया है क्योंकि एक इंसान का सिलाते सिलाते उसको 5 इंसान का सिलाना पड़ रहा है. चीज लगी इसमें कम पड़ रहा है, फैब्रिक इसमें ज्यादा पड़ रहा है, इसमें ये इसमें वो. सो वी आर गोइंग नाउ टू सेटल हिज ग्रीवियंसेस. जो भी कम पड़ रहे फैब्रिक्स वी विल बाय. आई ऑल्सो हैव लेस फ्रॉम माई लास्ट आउटफिट जो मैंने बनाई थी, जो की अकड़वानी का लहंगा मैंने बनाई थी. तब से मेरी ये 2 लेस बची हुई है. मैंने सेकेंड बंडल मंगाया था इसके लिए. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लेस दैट आई हैव एंड आई ऑल्सो हैव दिस भारी लेस ओवर हियर. तो मैं देखूंगी ये कौन से कपड़े में ये मैं लगा सकती हूँ, या तो मेरे अनारकली में ही लगाऊंगी. मेरी भी पैंट का कपड़ा खरीदना है. आई थिंक राइट नाउ ओनली द मेन्स क्लोथ्स आर हैपनिंग सुपर इजी. मेन्स क्लोथिंग इज वेरी इजी टू स्टिच. लिटरली लाइक या तो मिडिल में बटन दो या तो साइड में बटन दो. इन लेडीज क्लोथ्स देयर आर सो मच दैट यू कैन डू दैट इट्स प्रीटी कंफ्यूजिंग एंड ओवरवेलमिंग. सो लेट्स गो सी व्हाट अजहर हैज डन टिल नाउ एंड व्हाट ही नीड्स. सो वी आर गोइंग टू मनीष मार्केट एंड वी आर गोइंग टू बाय मोर लेस एंड कपड़ा. लेट्स गो. ये दो कली मारे हो ना इधर जॉइंट में, ये जॉइंट की ये स्टिचिंग और ये जॉइंट की ये स्टिचिंग इधर आई है इसलिए ऐसा मैसअप हुआ. देखो जो हमारी सिलाई है वो कहाँ पे है ये कहाँ? हाँ ये नहीं बोल रही हूँ, ये जो निकला है वो मैं नहीं बता रही हूँ, ये अलग है. ठीक है ये जो सिलाई ये है ना ये खत्म हो गया हुआ है. मेरा हो गया ये फाइनल. अभी फिर नीचे क्लेम करना है. मेरा पूरा दब गया है. कैनवास जाने वाली है. कैनवास जाने का तो पूरा आएगा.
वो आगे का भी थोड़ा सा फिनिश कर दो क्योंकि वो वीडियो में दिखेगा नहीं तो ये मटेरियल में बहुत मिसअप है। ये क्या है ये बीच में से धागा? ये धागा इसी का वर्क का है। वर्क का ही है। फेस और स्लीव्स पे ना थोड़ी थिक है ना ये। हाँ। ये बहुत पतली हो जाएगी फॉर द फेस। ही इज सेइंग इन दैट क्लॉथ योर कली इज नॉट गोइंग टू कम इन। अब कली नहीं बचेगा, वो हो जाएगा तो बॉर्डर पेपलम में तो आएगा ना। बॉर्डर का जो लुक है यही लुक आएगा। सी इफ यू कट स्कैलप्स देन यू वोंट बी एबल नो। ये ऐसा आएगा फ्रॉक फ्रॉक है फ्रॉक स्टाइल आएगा। कपड़ा कम है वही इतना कपड़ा कैसे इतना शॉर्ट बढ़ने वाला है इसको कितना भी कपड़ा दे इसको कम लगता है। शॉर्ट इतना ये कितना 3.5 मीटर कपड़ा है। 3 मीटर भी नहीं है हाफ मीटर है श्रंक आफ्टर डाइंग आई एम टेलिंग यू पुट माय ब्रेन इन सम बॉइलिंग वाटर नाउ एवरी टाइम दिस। पना भी इसका अच्छा खासा था वो भी कम हो गया है। वो भी नहीं आएगा 2.5 मीटर में तो वो लॉन्ग वाला भी नहीं बनेगा तो फिर लेगिंग्स क्यों डाल कर रहे हो पूरा। रुक जा कितनी गली आएगी? गली देने में 24 प्लीज 1 2 गली से मतलब नहीं है। गली आप बोलोगे हम 34 का 36 भी कर सकते हैं तो गली से मतलब नहीं रहता। कपड़ा जितना रहेगा उतना घेरा आएगा। गली आप बोलोगे 4 गली में अंदर वो डाल दो क्या डाल दो कमर के पास एकदम हैवी वाला नहीं। पहनने लायक ऐसे भी ये पहनती नहीं है और भी इसके कम विचार लग रहे पहनने के जैसे जैसे तुम बोल रहे हो। पैटर्न चेंज मैं भी वही बट अभी 2.5 मीटर में क्या बनेगा वही तो क्वेश्चन मार्क है। ईशान और सब पप्पा का ये बार बनाते हैं अपन सब रहते ओनली दोस्त टू आर गोइंग टू हैव क्लोथ्स आई हैव अ फीलिंग कम फर्स्ट दैट आल्सो कलिया आ जाएगी ना लेंथ क्यों होएगा लेकिन कलिया तो ये तो वन पीस बॉर्डर ले लेती हूँ मैं झाड़ा बढ़ता हुआ मतलब ही विल पुट एन अस्तर एंड देन पुट द लेस है ना। हाँ चलेगा ना बट कितना लेंथ आएगा उस पे दिखाओ। 33 दिस इज मोर देन इनफ ये तो बहुत है। मेरे दिमाग में ना कपड़ा वो कलर का था मालूम है वो जो ऊपर लेस की कलर है ना वो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। ये भी जो धागा तुमने सिला किया मेरे को पसंद नहीं है डोरी लो डोरी गोल्ड डोरी हाँ चलेगा। इसका लटकन लेना पड़ेगा सबरीना 13 लेस ये बताओ ना इस कलर का ये अच्छा पर पतला ही है मतलब नीचे के बॉटम आई डोंट थिंक यू शुड गो 2 3 को दिस वन इज बेटर चलेगा ना मेरे को ऐसे भी इतना हैवी करने का ही नहीं दूर से दिखाओ दूर से और वो वाला वैसे तो दोनों ही उतने ही श्योर है मेरे को लग रहा है ये अच्छा दिखे। तुम ये कर लो समथिंग लाइक दिस आल्सो लुक्स रियली कॉन्ट्रास्ट ऑन मम्मीज पैंट वी कैन टेक बट शी इज सो पर्टिकुलर लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी ओपिनियन ऑन दैट। रेडीमेड भी नहीं मिलेगा उनके साइज का फिर तो आप सेम उसमें ही करवा दो कॉन्ट्रास्ट। हाँ चूड़ीदार भी होने के ना उसके पूरे दुपट्टे समेत डाई कर दो ये ठीक है मेरे दुपट्टे के लिए Much later. You tell me what color pant you want, Azhar will buy the material. Yeah, so something is, this is like a beige with a beige यू वॉन्ट डार्क क्रीम कलर विद दैट ब्लू कुर्ता बिकॉज लड़कों का व्हाइट है दोनों पप्पा और सो वील टेक अ सिंपल सैटिन कट द ट्यूलिप पैंट और एक बार कट और सिलाई हो जाएगी फिर जहाँ पे भी तुमको चाहिए तुम लेस ले सकती हो। सबरीना ने भी कल लेस ली है उसके टॉप के लिए। मेरे ही अनारकली में कपड़ा भी खराब हो गया। आई वॉज द मोस्ट श्योर ऑफ माई आउटफिट एंड आई एम नॉट हैप्पी विद माई आउटफिट ओनली बिकॉज कपड़ा कम भी पड़ा कपड़ा डाई होने के बाद श्रिंक भी हो गया
and now that we are looking at the cloth, once it's stitched, it's like losing the threading in a lot of places. So Azhar has also had a lot of difficulty in stitching it. Like mummy aur Sabina ka jo kapda maine khareedi hu, usme zyada hold hai aur uski silai bhi pakad rahi hai as opposed to the one. Ladko ka perfect ho gaya, unka kya hai ye? Yes, mother. Okay, Azhar is also sending button options, so I'm forwarding that to you. Kindly select ladko ke button. Okay, ladko ke liye ki mere liye? Tumhare liye button kidhar lagayega mummy? Mera pattern bhi kya kidhar hogi? ऊपर के लिए ना आई डोंट थिंक उसको बेल स्लीव्स के लिए इनफ स्पेस मिला है, उसने सीधा ही स्लीव काटा है। सबके लिए शॉपिंग कर लेनी चाहिए, वो इजी होता है सबका आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाने में। दिस गोल्ड, दिस दिस राउंड, दिस ना दिस लुक्स नाइस। The next day. Only your pant is come proper. Issue's top is come proper. Issue's is so cute, see? Only one for you. Because ladko ka itna wo nahi. The last year he didn't have tickly. He just had the same pattern, I remember. Mm-hmm. He's never going to fit into them again. Yeah. I'm going to make a museum of Ishan's outfit from scratches of every Eid. This is Sabbo's. अरे बट वो प्लीट जैसे फोटो में दिखती है वैसी तुम्हारी है, वो सॉफ्ट मटेरियल थोड़ा थिक भी है ना, बट प्लीट नहीं आती है। हाउ ही कट्स इज डिफरेंट देन व्हाट द इमेज इज। पतले करते हैं मेरा पूरा ऐसा देखता है। अरे वो चौकन चौकन वो बॉक्स प्लीट दिख तो अच्छा रहा है, बट वो इमेज उसने जो दी थी उसका रेफरेंस अलग ही था। स्लीवलेस बनाया उसका लाइक्रा की पैंट आई डाई ओके इसकी वही लेने के लिए तो रुपा तो वापस फिर मैं बोला ज्यादा ले रहा हूँ। एवरीथिंग इज ग्रीन नाउ, द चेयर्स ऑफ दिस हाउस एंड द क्लोथ्स ऑफ टू मच ग्रीन इज नॉट गुड। ग्रीन इज द कलर ऑफ द सीजन मम्मी, सी दिस इज द रेफ प्लेयर कपड़ा रहता तो अच्छा। ये फ्रॉक के जैसा इसको बनाई क्या? उसको चाहिए था फ्रॉक जैसा, और चाहिए था इसमें कपड़ा कम पड़ा। कब तक फ्रॉक सी पहनते बैठे, कुछ तो लेस डालना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था यही डाल दूं सब जगह। नहीं नहीं, मेरे को ऐसे सब लेस नहीं पसंद। बटन डाल सर। हां ऐसे नहीं, मैडम को बटन बटन है उसमें। ब्रोच चाहिएगा ना सोने के, ऐसे बटन का ये भी डायमंड के है। और अंबानी तुम्हारा क्या लगता है, मेरे को नहीं मालूम। तेरा भी नेक बराबर में लिया है इसने, ऐसा आना चाहिए ना। नेक तो पीछे से डोरी है, दैट विल बी एबल टू एडजस्ट। या नाइस इट इज, या ओवरऑल इट लुक्स गुड। योर्स आल्सो लुकिंग गुड। या बट ये ऐसा थोड़ी सलवार के जैसा ऐसा थोड़ी बनाने का है। यहाँ पे ऐसा टाइट होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। वैसा भी आएगा अभी इससे He still has work to do, I think. ये ऐसा टाइट आएगा ना इधर, ऐसा टाइट ही आएगा। हाँ तो फिर ठीक है। और ये नेक भी मेरे को नहीं पसंद आ रहा। हाँ नेक मम्मी का बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा सर, काट दो। The pant and the kurta both need to be shorter. You're looking even more short in this. Overall the silhouette looks good. और ये जो है ना ये अभी ओवरलैप करके यहाँ पे टचिंग करनी पड़ेगी। और लेस डालोगे ना इसमें शलवार में? हाँ, वो लेस तुमको लेनी पड़ेगी ना। हाँ, खरीद ये जो टाइट करेंगे तो ताकि ये प्रॉपर गिरेगा। इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दो, ऐसा ब्रॉड करेंगे तो इसका शो आएगा। यू वांट फ्रॉम हियर और यू वांट फ्रॉम हियर? नहीं नहीं उतना ब्रॉड नहीं, थोड़ा सा इधर से वो ले लेना। या द वी लुक्स बेटर मम्मी, आप देखो ना। हाँ आई वॉज सिंगिंग वी ओनली इनिशियली। पैंट का ही मेरा मेन है, तुम पैंट का ही शो करो। तुम शॉर्ट करोगी ना कुर्ता तो पैंट दिखेगी, तुम्हारा कुर्ता इतना लंबा है पैंट दिख भी नहीं रही है। हाँ हाँ, यू जस्ट नीड टू बाय अ लेस टू बाइंड दिस सो दैट ही कैन बाइंड इट। तुम्हारी फाइनल फिटिंग्स बची है। मेरी अनारकली में अगर आप देखोगे तो नजदीक से काफी गलतियां है, बिकॉज कपड़े ने बहुत त्रास दिया टेलर को। तो ही वॉज टेलिंग यू नो यू कैन सी दिस डबल स्टिच दैट ही हैड टू डू ओवर हियर, वो सारी जो लाइन है ना सारी कुछ निकल रही है एंड कलिया बिठाने में अनारकली के ही हैड लॉट ऑफ ट्रबल। सो ओवरऑल व्हेन आई आल्सो सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक व्हाट द हेल, लाइक ये क्या हो गया। एंड दिस आल्सो आई वांटेड हिम टू डू इट लाइक दिस, ये तो टेलर की गलती है कि उसने ये ऐसा नहीं किया। तो बोथ द कपड़ा एंड द टेलर हैव मेस्ड अप इन प्लेसेस। दूर से दो द अनारकली इज लुकिंग रियली रियली प्रिटी। सो जितना नजदीक आओगे उतने प्रॉब्लम्स पाओगे, बट जितना दूर से देखोगे उतना अच्छा दिखेगा। यहाँ पर ही नीड्स टू डू अ लिटिल बिट ऑफ फिटिंग। आई एम सो सरप्राइज दैट द लेंथ happened because he was complaining that the length won't happen, but it's worked out well. मेरे कपड़े में से जो बचा है ना मेरे डॉग का वो गले का काटो, वो नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसा ट्राइंगल काटो और उसकी बॉर्डर सिलाओ। ये तुम्हारा है। Nice. I would love to see this. Yeah, this size no even I. गरम होएगा?
कॉटन है ये ठीक है पर इसमें बुलन है एक्चुअली ठंडी में ईद आना चाहिए स्लीव्स मेरे को बहुत लंबे नहीं लग रहे ये ऐसा मैंने बनाया कि तुम शादियों में भी पहन सकते हो ना जो माय क्लॉथ आई विल मेक फॉर यू ओके ओके बिजू outfit from scratch for the entire family all complete I must say that this was quite the struggle because sabke maap sabki design sabke patterns sabki pasand aur sabki fit lana in an outfit from scratch this must have been the most tedious and most expensive outfit from scratch mere paas hisab bhi nahi at this point ki kitni lace kitna astar kitni bar dye karaya kapda kitna maine stitching ko diya hai I've just like allowed money in this video do not have a hisab and I loved what the outcome was because I started with a vision ki mujhe aisi family photo chahiye jisme sab same kapde pehne hain sab aise saath mein dikh rahe hain of course Ishan made that very difficult for us it was a thras and a half to be able to get that vision wo aap log Eid ke vlog mein dekhoge ki aaj humne shoot karne ke liye kitna humne struggle kiya to get even one decent photo with Ishan this is the photo that Sabrina wanted to click with Ishan Pinterest se utha ke this is expectation versus this is the reality when you have a hyperactive child like Ishan no mummy wo hi kapde mein chik rahi अभी सब लोग नाइट सूट में मम्मी सब और मैंने तो पूरे ईद पे कपड़ा पहना हमारे दोनों लड़कों ने तो उतार उतार के छोड़ दिया कपड़े दे वर लाइक इट इज टू हॉट टू वेयर सच हैवी क्लोथ सबरीना हाउ डिड यू फाइंड योर आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच Yeah, it was nice. It was as for my liking. उसको जैसा चाहिए था उसको मिल गया. Actually, my girls उनके outfit में सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, but they were the happiest. लड़के को तो कुछ भी नहीं अच्छा लगा. उनको पहनने का ही नहीं होता कपड़े on their body. Both of them just removed it after the shoot was over. Look at this boy. Why you didn't wear the pathari today? What you kept saying? निकालो 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 हमको फोटो मिल गई टू फोटोज आई रियली लाइक बट आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी फ्रेम्ड बड़ा Those photos are not worth a big frame in my house, but they will make it in one of the frames in my house for sure. So that was cute, and yeah, we managed to shoot something. नहीं मजा तो आया, मुझे तो बड़ा मजा आया. Struggle भी थी, but मजा भी आया. Struggle थी because Ishan का सोने का time. ना मैं shoot की नहीं बात कर रही हूँ. मेरा अकेले का outfit बनाना is one thing. To get five people's taste, liking, measurements, and color dye and everything properly was a मुझे टाइम हाँ मेरी पूरी फैमिली इज लाइक ऑल द टाइम वर्किंग एंड बिजी सो नोबडी हैज टाइम टू डू माप एंड ऑल विद मी एज पर माय स्केड्यूल बट ऑल ऑफ दिस वाज डन
to be able to get my photo and for you guys' entertainment. So if you all enjoyed, don't forget to give it a big thumbs up. Meri family ke liye thumbs up de do because jaisa jaisa humko chahiye tha, they managed to do everything. So huge, huge thumbs up for them being a huge sport. Choto, giving sound effects exactly when I don't need it. Sound kar rahe hain wo. Thank you so much for all your love. Hello, Chores. For today's video, Sanskrit shout out goes to Shreya Ahuja. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video, Sanskrit shout out, you know what to do. Hit the subscribe button, bell icon, drag next video, and also leave a comment down below saying hashtag Sara Squad. I hope you all add a less chaotic team than the chaos in my house 24/7. And I will see you in my next video. Bye guys, love you. Eid mein kya kya hua wo dekhne ke liye, you have to stay tuned in the Eid vlog, okay? Bye.